जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा जा रहे होते हैं तो सबसे मिलने के बाद अंत में आते हैं राधा रानी के पास और राधा रानी के पास आकर कहते हैं कि राधा मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी लौटकर वापस आऊँगा, इसलिए अगर हो सके तो अब तक हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ उसे बचपन का खेल समझकर भूल जाना और कोशिश करना मुझे भी भूल जाना। जितने सहज भाव से कन्हैया ने ये बात कही उतनी ही जोर से राधा जी के दिल पर यह गिरा जैसे कोई पत्थर गिरता है। कन्हैया जी की बात सुनकर राधा जी रोने लगी और रोते रोते अचानक हंसने लगी। पहले रोई फिर हंसने लगी। कन्हैया जी पूछते हैं कि राधा क्या हुआ, तो राधा जी बोलती हैं कि जितने भी गोकुलवासी हैं ये सब मुझसे एक बात कहते थे कि राधा जीवन में सब कुछ करना लेकिन इस कन्हैया के चक्कर में कभी मत पड़ना, ये छलिया है, खेलता है और निकल जाता है, तेरे साथ भी खेलेगा और निकल जाएगा, तू भी रोती रहेगी जिंदगी भर बैठ के। लेकिन मैंने उनकी बात पर ना कभी गौर किया ना उनकी बात कभी सुनी, क्योंकि मेरे मन के किसी कोने में ये विश्वास ज़रूर था कि कन्हैया किसी और से प्रेम करे ना करे लेकिन इस राधा से तो प्रेम ज़रूर करता है। लेकिन आज तेरी ये बात सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तूने कभी इस राधा से प्रेम किया ही नहीं। ये जितने भी गोकुलवासी हैं, ब्रिजवासी हैं, ये सब कहते हैं कि तू भगवान है, मैं नहीं मानती क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है और प्रेम भगवान समझकर नहीं किया। ये जितने भी गोकुलवासी हैं ये सब कहते हैं कि तू भगवान है, अगर ये बात सच है कन्हैया तो आज मैं तुझसे एक वरदान मांगती हूँ, अगर तूने ये वरदान मुझे दे दिया तो मैं तुझे अपने जीवन भर के प्रेम के ऋण से मुक्त कर दूंगी। अगर तू भगवान है तो जीवन मरण और पुनर्जन्म ये भगवान के हाथों में होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस धरती पर जन्म लूँ दोबारा तो मैं राधा नहीं बल्कि कृष्ण बनकर आऊँ, और मैं अकेली नहीं आऊँगी, तुझे भी आना होगा मेरे साथ, लेकिन माजरा उल्टा होगा, तू कृष्ण नहीं बल्कि राधा बनकर आएगा, फिर मैं तेरे पास आऊंगी और तुझसे ये बात कहूंगी कि हो सके तो मुझे भूल जाना, फिर तुझसे पूछूंगी कि क्या हुआ, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, क्योंकि कहते हैं प्रेम में पीड़ा सिर्फ उसी को होती है जिसने प्रेम किया होता है, जिसने प्रेम ही नहीं किया उसे क्या पीड़ा होगी। तो आइए आप सभी लोगों को इस भजन के माध्यम से सुनाती हूँ कि राधा जी कृष्ण से क्या कहती हैं कि जब तू इस धरती पर आएगा तो तुझे कौन सा एहसास होगा। ओ सांवरे